अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। हेलो गाइस, तो आज हम बनाएंगे चने दाल की भजिया। अब देखिए, ये मैंने लिया है 1/2 किलो चना दाल, इसे मैंने भिगो के रख दिया था। और ये मैंने लिया है पुदीना और हरा धनिया। और ये देखिए, मैंने ये लहसुन को कूट के लिया था, अनियन को काट के लिया है, एक बड़ा अनियन लिया है मैंने, और ग्रीन चिल्ली। और ये देखिए, एक चम्मच मैंने लिया है गरम मसाला, नमक लिया है, और अजवाइन लिया है मैंने। अभी सबसे पहले हम इसे पीस के लेंगे दरदरा से। सबसे पहले हम दाल को पीस लेंगे दरदरा से पीस लेंगे। अब देखिए, मैंने इसे पीस लिया दरदरा से। देखिए, इस तरह होना चाहिए, पानी बिल्कुल नहीं डालना है इससे हमें। तो अभी हम इसे एक बाउल में निकाल देंगे इस तरह से। ये देखिए, पानी बिल्कुल नहीं डाला था मैंने। अब मैं गरम मसाला, अजवाइन और नमक को इसमें डाल के इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी। ये देखिए, इस तरह से मिक्स कर लूँगी। अब देखिए, मैं डाल दे रही हूँ लहसुन हमारा, इसे भी डाल के मैं अच्छे से मिक्स करके ले लूँगी। और जो हमारा अनियन है, पुदीना है, धनिया, उसे हम लास्ट में डाल देंगे, वो इसलिए उसका पानी छूट जाता है, तो हमारा भजिया प्रॉपर नहीं बन पाएगा, तो हम लास्ट में डाल देंगे। जब भी आप लोगों को भी बनाना रहेगा, ये सब रेडी रख के ये तीन चीज़ों को आप लास्ट में डालने के लिए रख देना है ना। अब मैं ये सारे डाल दूँगी, क्योंकि मैं अभी इसे बना दे रही हूँ। देखिए, मैं सारा डाल दिया, पुदीना, धनिया, हरी मिर्च, अनियन, सब डाल के इसे अच्छे से मिक्स करके इसका मैं एक भजिया का शेप दे दूंगी। देखिए, ये भी मैं डाल दे रही इसी के अंदर। तो अब देखिए, हमारा ये मिक्स हो गया है। अब मैं भजिया का शेप दे दूंगी। देखिए, इस तरह से मैंने शेप दिया है हमारा भजिया का। तो और भी हम बना के ले लेंगे, है ना। तो हमारा तेल भी गर्म हो चुका है वहाँ पे, तो हम फ्राई भी करके ले लेंगे। तो देखिए, मैंने ऑयल रख दिया था, ये गर्म हो गया है। अभी हम एक एक करके सारे भजिए को हम फ्राई करके ले लेंगे। तो देखिए, मैं फ्राई करने के लिए डाल दे रही हूँ, एक एक करके मैं सारे फ्राई करके आपको डिश आउट करके बता देती हूँ। इसे हमें गोल्डन फ्राई करना है।
देखिए हमारा भजिया फ्राई हो चुका है। अभी इस तरह से हमें गोल्डन ब्राउन करना है इसे। इस तरह से हम और भी फ्राई करके ले लेंगे और इसे मैं सर्व करने वाली हूँ पुदीने की चटनी और केचप के साथ। बारिश के टाइम में ये बहुत ही अच्छी लगती है भजिया, चने दाल की भजिया। अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना। फिर मिलती हूँ मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।